हेलो मिस्टर राज जी, जी जी आवाज सर। ठीक है? तो अभी पहले से बताइए मुझे, आपको क्या क्या दिक्कत आ रही है, क्या प्रॉब्लम आ रही है? ये रेंडर ब्लर आ रहा सर, क्लैरिटी नहीं है रेंडर में। ओके मैं वो डोम से वो HDR लगे तो HDR नीचे दिख रहा हूँ, HDR वो बैक साइड में नहीं आ रहा, नीचे आ रहा हूँ। अच्छा ठीक है। तो अभी मैं शुरू से दिखाऊं क्या, मतलब इसमें मैं कैसा अप्रोच रखता हूँ? अगर जी दिखाइए। कुछ उसमें आपको लगे तो मुझे रोक देना या पूछना क्या है। ओके, तो सबसे पहले मैं मेरे हिसाब से सीन को थोड़ा सा रीअरेंज करवाता हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ अभिषेक इनामदार की फ्रेम्स एनिमेशन एकेडमी से। अब तक आपने मुझे ट्यूटोरियल्स में देखा होगा, यूट्यूब के वीडियोस में देखा होगा, या पीसी के रिव्यूज़ के बारे में आपने मुझे देखा होगा। अभी के फिलहाल के लिए अगर आपने देखा होगा, 3D Max वीरे और फोटोशॉप जो कोर्स है पूरा पैकेज में चल रहा है, जिसमें वीरे भी है, 3D Max पूरा है और फोटोशॉप है। और अगर आप देखोगे यहाँ पे क्लिक करके, इसमें मैंने क्या क्या दिया है, पूरा डिस्क्रिप्शन मैंने इसमें दिया है, मैं क्या क्या इस कोर्स में इंक्लूड करने वाला हूँ। इसमें है एक्सटीरियर मॉडलिंग, इंटीरियर डिजाइनिंग, फ्लोर जनरेटर को कैसे इस्तेमाल करना है, केस स्टूडियो कैसे हैंडल करना है, वॉक थ्रू कैसे करना है, मतलब उसका सेटिंग कैसे करना है, कैमरा एनिमेशन कैसे करना है, क्लॉथ एनिमेशन कैसे करना है, फोटोग्राफिक अप्रोच कैसे रखना है रेंडरिंग करने के लिए, एक एक चीज़ पूरे डिटेल में कवर की है, ताकि ये कोर्स करने के बाद आपको वापस 3D Max और वीरे के बारे में आपको वापस जानकारी लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और हालांकि इसमें 10 GB का डेटा भी आपको मिल रहा है, इसमें जो भी मैंने मॉडल्स इस्तेमाल किए हैं या जो भी असेट्स इस्तेमाल किए हैं, वो सारा का सारा आपको जो मॉडल्स और जो डेटा है वो आपको मिल जाएगा। कोर्स कंप्लीशन होने के बाद यहाँ से आपको सर्टिफिकेशन दिया जाएगा की फ्रेम्स एनिमेशन से, और वो ऑटोमेटेड नहीं रहेगा, मतलब आप जब भी असाइनमेंट करके दोगे मैं आपको सर्टिफिकेट सेंड करूँगा यहाँ से। तो जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे प्रीव्यू में, और प्रीव्यू में लेट से वीरे 5 और 3D Max अगर मैं प्रीव्यू करूँ, तो कौन से चैप्टर्स मैंने यहाँ पे कवर किए हैं, यहाँ पे सारा डिटेल है। अगर आप देखा जाए तो यहाँ पे मैंने सारे लाइट्स को कवर किया है, सारे मटेरियल्स को यहाँ पे मैंने कवर किया है, रिफ्लेक्टिव हुआ, रिफ्रैक्टिव हुआ, जो भी आर्किटेक्चरल में ज़रूरी है, ब्लेंड मटेरियल, ट्रांसलूसेंट मटेरियल, सारा चीज़ कवर किया है पूरे डिटेल में। और यहाँ पे प्रोजेक्ट्स के ऊपर मैंने काम किया है, एक्सटीरियर लाइट को कैसे करना है, नाइट रेंडर कैसे करना है, इंटीरियर को रेंडर कैसे करना है, ये सारा चीज़ इसमें मैंने इंक्लूड किया हुआ है। तो अगर आपको 3D Max वीरे और फोटोशॉप की ट्रेनिंग एट योर प्लेस और योर पेस सीखना है, तो आप इस कोर्स को ले सकते हो, देख सकते हो और सीख सकते हो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस लेसन। मतलब ताकि मैं भी फ्रेश शुरू कर सकूं, ये मैं निकाल देता हूं स्काई, आई जस्ट रीसेट इट। आपने यहां से सन लगाया ना, आपने आप SDRI बोले ना मुझे? नहीं, ये HDRI का नहीं है, HDRI का दूसरा पहले, ये सन का है। ठीक, चलो सन सन में भी चेक करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले तो एक कैमरा सेट करवा के लेता हूँ। जी आपने ये वाला कैमरा सेट किया है ना, ऐसा वाला? जी सर, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है, ठीक है, शायद मैं गलत भी हो सकता हूँ, मुझे ऐसा लगता है ये कैमरा थोड़ा सा उतना उतना सूट नहीं हो रहा है उसको। ठीक है, तो हम ओके एक कैमरा को अलग प्लेस करेंगे, ठीक है, क्योंकि इस स्ट्रक्चर को अगर मैंने देखा है कि यहाँ से सिंपल विंडोज है, कोई प्रोजेक्शन वगैरह नहीं है, जो भी तुम्हारा ट्रीटमेंट है एलिवेशन का, तो तुमने सामने से ही ज्यादा किया है। ओके, सो एज अ लाइटिंग आर्टिस्ट, एज अ रेंडर आर्टिस्ट, जब भी तुम मॉडलिंग करने के बाद सोचते हो ना, सो ऑलवेज थिंक कि अपना मेन पॉइंट, शो पॉइंट कहाँ है। ठीक है, तो तुम्हारा शो पॉइंट सब सारा सामने ही है। अगर तुम्हारा शो पॉइंट यहाँ होता ना, मतलब कुछ प्रोजेक्शंस होता ऐसे बाहर आता कुछ प्रोजेक्शन, तो हम यहां से ऐसा 2 पॉइंट लेते। ओके, एंड ऑल्सो वी कैन नॉट टेक दिस पॉइंट ऑल्सो। हाँ यस, ओके, सो मैं यहां से सीधा रखता हूं इन फ्रंट, ठीक है ना, फ्रंट से टॉप व्यू। हाँ, फ्रंट से, ठीक है, टॉप से लेता हूं।
कैमरा, ओके। तो मैंने यहां से क्यों नहीं किया, अगर मैं यहां से करता तो ऊपर से कैमरा लग जाता। जी जी ठीक है, तो मैं यहां से फिजिकल कैमरा लेता हूं वीरे का, और लेट्स से ऐसा मैंने ट्रैक किया, ओके। अब इसमें शो से फ्रेम करेंगे, यहां से मैं थोड़ा सा पीछे ले लेता हूं हल्का सा, ओके। रेंडर सेटिंग में आता हूं, और अभी अपना जो लेआउट है, मतलब पूरा जो स्ट्रक्चर है, वो पोस्ट कार्ड में मतलब काइंड ऑफ पोर्ट्रेट पोर्ट्रेट काइंड ऑफ है वो। जी जी, टू इमेज एस्पेक्ट रेशियो 0.7 डालेंगे तो एक्चुअली पोर्ट्रेट के हिसाब से आ जाएगा, बट दिस इज व्हाट आई नो। बट अगर तुमको ऐसा फाइंड आउट करना है कि कैसे करना है, तो यहाँ से देखो हम ऐसे उसका विड्थ कम करके ऐसा पोर्ट्रेट मोड में ला सकते हैं, ठीक है ना। आपने को मालूम नहीं होता ना कि इमेज एस्पेक्ट किसका कौन सा रहेगा, तो ये ऐसा कम करके देखेंगे। देखो ये बढ़ाया तो ये तुम्हारा लैंडस्केप हो गया, ये यहाँ से ऐसा कम कर दिया तो यहाँ से ऐसा इतना ये पोर्ट्रेट हो गया। तो लेट्स से यहाँ तक रख, ठीक है, 0.7 तक ठीक है। हल्का सा मैं मिडिल माउस प्रेस करके उसको हल्का सा कंपोजिशन में लाता हूँ, और यहाँ पे लॉक लगा देता हूँ ताकि अपना इमेज एस्पेक्ट मूव ना हो। ओके, मैं पहले कैमरा को सिलेक्ट करता हूँ, ओके, राइट क्लिक से टारगेट थोड़ा सा ऊपर लेता हूँ, ठीक है, हल्का सा ऊपर लेता हूँ। ऊपर लेने से क्या हो गया, अपना जो वर्टिकल लाइन्स है ना उसमें थोड़ा सा टिल्टनेस आ गया, देखो यहाँ से दिख रहा है ये टिल्टनेस आ गया है। तो वो निकालने के लिए वी हैव टू क्लिक ऑन ऑटोमेटिक वर्टिकल टिल्ट, या तो ऐसा, हाँ, या गेस वर्टिकल टिल्ट भी किया तो भी चलेगा, देखो हो गया सीधा, ओके। ऐसा ऑन करेंगे तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सो इट इज ऑलवेज इट विल बी स्ट्रेट। ओके, सामने से चेक करता हूँ ये अपना सीधा है क्या। आई ऑलवेज सी कि ये जो लाइन है ना अपना एकदम सीधा रखता हूँ मैं सामने से, फाइन। अब थोड़ा सा सीन बिल्ड करता हूँ, सीन बिल्ड इन द सेंस क्या होता है, उसके लेफ्ट हैंड साइड में कुछ नहीं है, राइट हैंड साइड में कुछ नहीं है, भले कुछ दिख नहीं रहा है, लेट्स से उस इस कंपोजिशन में कुछ दिख नहीं रहा है, बट एक थोड़ा सा झाड़ पीछे कुछ तो स्ट्रक्चर साइड में कुछ स्ट्रक्चर ऐसा दिखाना बहुत जरूरी है। तो अभी के लिए तुरंत क्या कर सकते हैं, टॉप पे जाता हूँ, यहां से मैं ज्योमेट्री सिलेक्ट करता हूँ, ये दूसरा तुम्हारा ये ओके। तो यहां से पहला मैं कॉपी करता हूं से ग्रुप, ओके,
अभी ऐसा क्यों प्लेस किया, बिकॉज वो हॉराइजॉन लाइन हमको नहीं देखना है एट एनी कॉस्ट। ओके मेक इट लाइक दिस, तुरंत ऐसा समझ में नहीं आएगा, कुछ तो है ऐसा दिखेगा खाली, हाँ कुछ तो स्ट्रक्चर है। आई टेक अ प्लेन, लाइन दिस, से हम एक छांट लेंगे, मैक्स ट्री से मैं एक प्लांट ले लेता हूं, ओके अभी के लिए, अभी के लिए इस सीन के लिए एक झाड़ ही काफी है। अगर यहाँ पे ऐसा साइड में प्लेस करके रख देंगे, लेट्स से जस्ट अलाइन इट, और देखो क्या होता है, आपका जो बंगलो मतलब जो आपने किया है ना स्ट्रक्चर, सॉरी स्ट्रक्चर जो किया है ये ना हॉराइजन लाइन से तुमने नीचे किया है, तो उससे क्या होता है जो भी चीज आती है ना, देखो हॉराइजन पे इस लाइन पे आ रही है, तो ऑलवेज वी हैव टू ड्रैग इट डाउन मैन्युअली। तो क्या करना है, इस पे इस लाइन पे तुम्हारा रखना है, तो उससे क्या होता है जब भी हम चीज लाते हैं ना एकदम तुरंत अपना टाइम जाता नहीं है, उसी उसी लाइन पे आता है, बस अपने को खाली एडजस्ट करना पड़ता है एक्स में। ओके नाउ वी हैव टू एडजस्ट इन वाई एज वेल एंड एक्स एज वेल। अभी इसको क्या करता हूँ, ये एक्चुअली शेडो के लिए यूज करने वाला हूँ। okay. यहां से एक सन ले लेता हूँ, कि अभी ये ब्लैक क्यों है सर, ये वो छोड़ दो ना, लेट्स कॉन्सेंट्रेट ऑन रेंडर। या ओके ओके अब यहां से देखो ये जो चेंज करेगा चेंज करेगा। ओके तुमको देखना है यहाँ स्काई नहीं ना, मतलब जी नहीं दिख रहा, हाँ नहीं देखना नहीं है ना यहाँ, क्या देखना है यहाँ पे, नहीं 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 देख, हाँ यू वांट टू मेक श्योर द स्काई इज ओवर हियर। या ओके सो साइज मल्टीप्लायर आई विल मेक इट टू अराउंड 4 or 5 समथिंग, बिकॉज हमने थोड़ा नीचे ही लिया है ना सन को। ओके एंड द बेस्ट वे टू टेस्ट योर लाइट्स is always make sure with your override material. यहां से render setting में जाकर अगर थोड़ा ब्राइट सीन है तो टूवर्ड्स व्हाइट रखना है, अगर थोड़ा डार्क सीन है नाइट सीन है तो डार्क रखना है, तो अपन थोड़ा सा हल्का सा ब्राइट रखेंगे। कि सेट है अभी हम इसको कम ज्यादा कर सकते हैं, अगर रेजोल्यूशन कम चाहिए तो इसको हम कम रख सकते हैं, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं क्योंकि अपना इमेज एस्पेक्ट अभी चेंज नहीं होने वाला। ओके तो ये सब ठीक है, ये सब ठीक है, अपने को बकेट नहीं चाहिए, प्रोग्रेसिव चाहिए, तो उसके लिए अपने को क्या चाहिए, ये रेडियंस मैप नहीं होना चाहिए यहाँ पे,
ब्रूट फोर्स होगा, अगर तुमने इंग्रेडिएंट्स मैप रखा तो वो सपोर्ट नहीं करेगा तुम्हारा डीनॉइजिंग को, तो ब्रूट फोर्स। ओके डीनॉइजर लिया है और यहाँ से डीनॉइजर टेस्ट के लिए हमेशा एनवीडिया लेना है ताकि रियल टाइम में वो प्रॉपर वर्क कर सके। और ये जो वाला डीनॉइजर है ना फाइनल प्रोडक्शन के लिए हम चेंज करना है इसको यहाँ से। ओके डिफॉल्ट डिफॉल्ट जब ही प्रोडक्शन रेंडर करेंगे तभी। ओके यहाँ से सेट है, यहाँ सेट है, सेट है, सेट है, सेट है। 0.05 रखो, ये अच्छा वैल्यू नहीं, एकदम गंदा वैल्यू है अपना, वही चाहिए क्योंकि यहाँ पे डीनॉइजर इसलिए लगाए काम पे इसको ताकि अपना नॉइज थ्रेशोल्ड कम रख सके ना। ओके इमेज फिल्टर नहीं चाहिए, कलर मैपिंग इज फाइन, बट आई ऑलवेज कीप एक्सपोनेंशियल, सॉरी आई ऑलवेज कीप लीनियर। ठीक है लेट्स सी व्हाट हैपेंस, बिकॉज लीनियर इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड वे ऑफ लाइटिंग। एक्सपोनेंशियल से क्या होता है वो बर्न नहीं होता है, मतलब वो जहां बर्न होता है वो उसको रोक देता है, बट आई वॉन्ट दैट पर्टिकुलर इंटेंसिटी ऑफ द लाइट। आई नेवर यूज दिस ऑटो एक्सपोजर। डन 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 डन। ओके वी आर रेडी टू गो फॉर टेस्ट रेंडर। सिलेक्टिंग द कैमरा, अभी हम पूरी तरह से कैमरा के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करेंगे। सबसे पहली चीज हम यहाँ से टेम्परेचर लेंगे और टेम्परेचर में से हम यहाँ से कम करेंगे थोड़ा सा उसका टोन जो है, तुमको अगर नहीं चाहिए वैसा तो हम यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं, नॉट अ बिग थिंग। ब्राइटनेस कम करना है बढ़ाना है तो यहाँ से करना है, यहाँ से लाइव चालू रखता हूँ मेरा रेंडर। सेकंड स्क्रीन को मैंने ट्रैक किया, सेकंड स्क्रीन में रख दिया उसको। अब क्या करता हूँ यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ कैमरा को, राइट क्लिक कर से टारगेट, टारगेट हल्का सा उसको मैं टिल्ड करना चाहता हूँ। ओके और रेंडर को मैं लॉक लगा लेता हूँ ताकि वो मूव ना करे। मैं एक्चुअली क्या कर रहा हूँ देखो, ये ऐसा देख रहा हूँ और यहाँ से उसको थोड़ा ग्राउंडेड ले रहा हूँ। और इसके पीछे अपने को और एक स्ट्रक्चर लगेगा क्योंकि यहाँ से देखो पीछे के पूरा दिख रहा है, अगर मैंने उसको रख दिया तो ये बंद हो जाएगा। ये देखो अपना शेडो देखो कैसा आ रहा है, ये जो झाड़ हमने रखा है ना यहाँ पे हमने वो साइज बढ़ाया तो सॉफ्ट आ रहा है शेडो। यस सन का सन का हाँ साइज बढ़ाया तो बराबर। ओके अभी मैं इसको रोकता हूँ। देखो एनवायरनमेंट क्रिएट करना बहुत मतलब जैसा स्ट्रक्चर तुम्हारा जो है ना, ये स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, जितना स्ट्रक्चर को टाइम लगता है ना करने के लिए उतना ही एनवायरनमेंट को भी टाइम लगता है बनाने के लिए, मतलब जो आजू बाजू का एनवायरनमेंट है। ठीक है अब मेरे हिसाब से मैंने अभी जो एग्जाम्पल दिया आपको उसमें आपको और कुछ चीजें ऐड करनी होगी। ठीक है जैसे कि यहाँ पे एक पोल दिखाइए और पोल जो नॉर्मल से ऐसे सिंपल ऐसे वायर्स होते हैं ठीक है ना, उससे क्या होता है एकदम नेचुरल फील आता है। ठीक है और देखो यहाँ पे कार दिखाओ, यहाँ पे लोग दिखाओ, ये तो कोई भी दिखाएगा, ये कोई भी दिखाएगा ठीक है ना, बट ये ऐसा पोल होना चाहिए, यहाँ से एक पोल है ठीक है, यहाँ पे फुटपाथ है, फुटपाथ में थोड़ा सा कुछ तो क्रिएटिव करेंगे और
अभी ये तो एक झाड़ दिख रहा है, ठीक है, एनवायरमेंट, अगर तुमको बहुत सारे झाड़ चाहिए तुमको और पीछे, तो कैसे करना, यहाँ पे देखो मैं तुमको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। ये रेक्टेंगल लेता हूं ऐसे, ओके, और ये अपना झाड़ है। यहां से सीधा फॉरेस्ट पैक पे आ जाओ, ओके, यहां से सिलेक्ट करो कौन सा झाड़ चाहिए, ठीक है ना। लेट्स टेक एन एग्जांपल, आपके पास पेड वर्जन नहीं है, आपके पास जो फ्री वाला वर्जन है ना वो है, ठीक है, तो उसमें कैसा करना है, यहां से यहाँ पे क्लिक किया मैंने, ओके, दिख रहा है ना, ऐसे कुछ तो आ गया, जी दिख रहे हैं जी हाँ, आगे। ओके, मॉडिफाई में जाता हूँ, तो यहाँ पे आ गया डिफॉल्ट करके, ठीक है ना। तो आप अपने को एक भी लाइब्रेरी का एक भी झाड़ इस्तेमाल नहीं करना, लेट्स से अपने पास फ्री वर्जन है, ठीक है, और फॉरेस्ट पैक को स्कैटर प्लगइन करके इस्तेमाल करना है, स्कैटर, ठीक है, स्कैटरिंग मतलब यहाँ मतलब पूरा उसको डुप्लीकेशन करना, उसको ऐसा चढ़ा के रखा है लोगों ने कि उसके पास ट्रीज है जो किसके पास नहीं है, ठीक है ना। आप यहाँ से कॉस्मोस से भी तुम ट्रीज उठा सकते हो, ओके, तो लेट्स से यहाँ पे तुमको लाइब्रेरी है जो क्या बोलते हैं, इससे आती है, फॉरेस्ट पैक से आती है, यहाँ पे फॉरेस्ट देखो, पैक हाँ यहाँ पे देखो कस्टम ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे किसका ध्यान जाता ही नहीं शायद, देखो कस्टम ऑब्जेक्ट है, ठीक है, कस्टम ऑब्जेक्ट मतलब क्या है, यहाँ से लेना है तुम्हारा खुद का ऑब्जेक्ट, ये लो, ओके ठीक है, ये भी लो, यू टू यूज हाई पॉली मेश और प्रॉक्सी इज रिकमेंडेड टू यूज ऑप्शन, ठीक है, क्लाउड पॉइंट है, डन, एनिमेशन एनेबल, ओके डन, ठीक है, येस कर दो, ये एक वार्निंग दिखा रहा है कि हम उसको क्लाउड पॉइंट में कन्वर्ट करने वाले हैं डिस्प्ले में, ये देखो, ओके ठीक है, तो अभी क्या होगा, अभी ये ग्लोबल स्केल है उसका, नीचे आता हूं, ये यहां से देखो, ये स्केलिंग मैंने ऐसे कम कर दिया झाड़ का, देखो यहां से,